नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। एक दिन एक जंगली हाथी ने एक पेड़ की डाली तोड़ी, जिससे उस पर बना गौरैया का घोंसला टूट गया और उसमें रखे अंडे फूट गए। गौरैया का रोना सुनकर एक कठफोड़वा वहां आया और उससे रोने का कारण पूछने लगा। गौरैया ने उसे सारी बात बताई। कठफोड़वा बोला, चलो मक्खी की सलाह लेते हैं। वे मक्खी के पास गए और उसे गौरैया की दर्द भरी कहानी सुनाई। मक्खी ने मेंढक की सहायता लेने की सलाह दी। गौरैया, कठफोड़वा और मक्खी तीनों मेंढक के पास गए और उसे पूरी बात बताई। मेंढक बोला, हम सब एकजुट हो जाएं तो हमारे सामने हाथी क्या कर लेगा? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मक्खी, तुम दोपहर में हाथी के पास जाना और उसके कानों में कोई मीठी सी धुन सुनाना। जब वह धुन में मग्न होकर अपनी आंखें बंद कर ले तो कठफोड़वा उसकी आंखें फोड़ देगा। वह अंधा हो जाएगा और जब उसे प्यास लगेगी तो वह पानी की खोज करेगा। तब मैं दलदल के पास जाकर वहां से टर टर करने लगूंगा। वह समझेगा कि वहां पानी है और वह वहीं पहुंच जाएगा और दलदल में फंसकर मर जाएगा। चारों ने मेंढक की योजना के अनुसार अपने अपने काम अच्छी तरह से किए और बिना सोचे समझे काम करने वाला हाथी मारा गया।